कभी आपने गौर किया है कि कुछ टाइम आने के बाद जब थोड़ी सी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाता है या आदमी एएसएम आरएसएम बन जाता है तो उसकी ग्रोथ रुक क्यों जाती है? कभी गौर किया है? सिंपल से अगर आप गौर करेंगे ना तो कमी उसी बंदे में है और उसी के आसपास कमी नजर आएगी। कैसे जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एडवांस में ही लाइक कर दीजिए क्योंकि आपको यहां पर एकदम अच्छी नॉलेज मिलने वाली है जो आपके करियर में बहुत ही हेल्प करेगी। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आदमी सेल्स ऑफिसर एएसएम या आरएसएम बन जाता है ना तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है और फिर वो पता है क्या कहता है कि यार इसके आगे बढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसके आगे जो पोजीशन होती है ना वो बहुत कम कम निकलती हैं और बहुत कम कम होती हैं, इसीलिए आगे ग्रोथ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि आप इमेजिन करेंगे तो एफएमसीजी ओटीसी इंडस्ट्री और एफएमसीजी चैनल सेल्स से मिलती जुलती 1000 से ज्यादा कंपनी है इंडिया में, इस्टेब्लिश अच्छी कंपनी ग्रोथ वाली, और इसके बाद न्यू लॉन्च कंपनी और छोटी कंपनी और बहुत छोटे स्तर से ग्रोइंग करने वाली कंपनियों की तो लिस्ट ही अनलिमिटेड है। पता है क्यों ग्रोथ रुकती है? किसी भी एसओ की, किसी भी एएसएम की, किसी भी आरएसएम की, एनएसएम की, पता है क्यों ग्रोथ रुकती है? ग्रोथ यूं रुकती है कि जब वो शुरुआत में आते हैं तो उनको अपनी एक जुनून होता है कि सैलरी बढ़ानी है, मुझे सैलरी बढ़ानी है। सैलरी कैसे बढ़ती है? आप काम करके दिखाएंगे तब सैलरी बढ़ेगी, या आपकी पोजीशन बढ़ेगी तो सैलरी बढ़ेगी, ठीक है, या अच्छी कंपनी टकराएगी तो सैलरी बढ़ेगी। और इन सब के लिए क्या करना है? काम करना है। आपको आना चाहिए वो काम, आपने अपने आप को प्रूव किया हो किसी कंपनी में, तभी अगली कंपनी ग्रोथ देती है। तो उसके लिए क्या होता है, आदमी ग्रोथ के लिए मेहनत करता है और सैलरी बढ़ जाती है कुछ दिनों बाद, पोजीशन बढ़ जाती है, किसी की लेट बढ़ती है, किसी की जल्दी बढ़ती है। अब जैसे ही सैलरी से हम संतुष्ट हो जाते हैं, एक हमारी वो आशा रहती है ना, हम इस मार्केट में आते हैं कि 40,000 रुपये सैलरी हो जाए इन हैंड, 50,000 रुपये सैलरी हो जाए तो फिर तो सुकून से जिंदगी गुजरेगी, और एएसएम बन जाए, एसओ बन जाए किसी अच्छी कंपनी में तो सुकून से जिंदगी गुजरेगी। हम उस सुकून के लिए काम कर रहे होते हैं और जब आता है वो टाइम जब हम सेल्स ऑफिसर बन जाते हैं, 40-50 तक हमारी सैलरी हो जाती है, एएसएम बन जाते हैं, उसके बाद वो चीज अचीव हो जाती है, वो जो हमारे शरीर में जो एनर्जी होती है ना उसको अचीव कर लेती है 40-50। और आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने में, ठीक ठाक लाइफस्टाइल जीने में सेल्स वालों के लिए 20 से 25 हजार रुपए खर्च अगर वो कर देते हैं, 25,000 रुपए पूरा खर्च करते हैं अपनी लाइफ स्टाइल पर, जीने पर, और एक छोटी फैमिली है, मान लो एक वाइफ है और एक या दो बच्चे हैं, तो 25,000 से लेकर 30,000 में बहुत अच्छी लाइफ चल जाती है। उसमें वो गाड़ी भी मेंटेन कर सकता है, ठीक है, अगर कम कम चलाता है तो, क्योंकि इसके बाद सैलरी के बाद एक्सपेंस भी मिलता है, टीए भी मिलता है, डीए भी मिलता है, और अच्छी लाइफ स्टाइल सेट हो जाती है। उसके बाद उसके 10 से 15 हजार रुपए बचते हैं, उससे वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट कर लेता है, एलआईसी पॉलिसी ले ली, हेल्थ पॉलिसी ले ली, इस तरीके से, और उसके जो एक्स्ट्रा खर्चे आते हैं हर महीने वो भी पूरे हो जाते हैं। तो वहां पर एक स्टेबिलिटी आ जाती है। स्टेबिलिटी कहां आती है? अपनी एनर्जी में आ जाती है, अपने माइंड में आ जाती है। अब ये लगता है कि आगे तो मिलेगी नहीं और आगे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अब इस लाइफ को जीते हैं, और वो जीना शुरू करता है वहां पे, क्योंकि जब पैसा आता है तो कंफर्ट आने लगता है। ये मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा, मैंने मार्केट में जो देखा है, जितने लोगों को देखा है उनका मैं अनुभव बता रहा हूं, अपना भी बता रहा हूं, उनका जो हिस्ट्री है वो बात करते हैं कि यार मैं जब सेल्स में आया था ना तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर के लड़की के साथ टेम्पू के पीछे बैठ के सामान के गत्तों में बैठ के मार्केट करने जाता था, इतनी मेहनत करता था। लेकिन तब से अब कंपेयर करोगे उनकी लाइफ को तो बहुत ही स्टेबिलिटी आ गई है, ठीक है, वो 10 कदम 10 दुकानें फालतू नहीं चलना चाहते, गाड़ी से नहीं उतरना चाहते, डिस्ट्रीब्यूटर की लड़की के साथ नहीं घूमना चाहते, घर पे एक्स्ट्रा
अपना जो एक्सेल सीट है, प्लानिंग है, एनालिसिस है डेटा का, वो नहीं करना चाहते क्योंकि स्टेबिलिटी आ जाती है। अब हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, हमारा थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, गाड़ी मेंटेन है, हम किराए के अच्छे हाउस में रह रहे हैं या खुद का भी हमने बना लिया है, और खर्चे बहुत ज्यादा नहीं है। जितने खर्चे हैं उसके बाद भी 10 से 15 हजार रुपये बच जा रहे हैं, तो ये दिक्कत आती है। इसीलिए वहीं पर वो लोग लॉक हो जाते हैं, लॉक। और जब रिटायर होते हैं तो एएसएम पे ही रिटायर होते हैं और आरएसएम पे ही रिटायर होते हैं, जबकि वो जितनी मेहनत बंदा कर रहा था स्टार्टिंग में, अगर वही मेहनत कंटिन्यू चलती रहेगी तो जीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात आ गई ना, आप सोचने लगे कि यार जीएम तो किसी कंपनी में एक ही होता है और कंपनियां हैं थोड़ी सी, तो कैसे जीएम बन जाएगा? अरे आपको पता है हर 2-3 सालों पे एक ही कंपनी का जीएम कई बार बदलता है, 2-3 सालों पे, और कंपनी बहुत है। अब कॉस्मेटिक का ही एक प्रोडक्ट ले लें, पर्सनल केयर छोड़ दो, कॉस्मेटिक में आ जाओ एकदम नैरो, कॉस्मेटिक में ही कितनी सारी स्टेब्लिश कंपनी है, कितनी सारी मीडियम साइज स्मॉल कंपनियां हैं जो चलती हुई कंपनी है, और कितनी सारी लॉन्च होती हैं, न्यू लॉन्च होती हैं, कुछ बंद हो जाती हैं, कुछ चलती रहती हैं। हर स्टेट में छोटे स्तर की, क्षेत्रीय स्तर की बहुत सारी कंपनियां चलती रहती हैं, हम उसमें जीएम बन सकते हैं। स्टेट लेवल की कंपनी में 4-5 जिले को जो कवर करता है उसमें जीएम बन सकते हैं। तो सारी कहानी शुरू होती है माइंडसेट की, हमारा आराम पूरा हो रहा है, अब हमें नहीं दौड़ना, कुत्तों की तरह नहीं दौड़ना। तो भाई जब आपको नहीं दौड़ना और इतना कंपटीशन है मार्केट में, तो फिर आप थोड़े से पीछे हट जाइए। अब आप इसी पोजीशन पे, इसी सैलरी पर, मतलब हर साल 2 साल में बढ़ी जाएगी, इसी पर संतुष्ट कीजिए, और बाकी जो पीछे से दौड़ते हुए आ रहे हैं उनको जाने दीजिए आगे, उनको जीएम बनने दीजिए, आरएसएम बनने दीजिए। और जब वही छोटी उम्र में आरएसएम जीएम बन के आपके सिर पे नाचेंगे ना, तो आपको काम करने में भी तकलीफ होगी और आपको ये भी तकलीफ होगी कि यार मैं इतना काबिल था, मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मेरी उम्र भी ज्यादा है और ये कम उम्र का, कम एक्सपीरियंस वाला बताओ मेरा बॉस बना बैठा है। तो वो रिग्रेट भी होगा, वो डिप्रेशन भी होगा। अगर आप कंटिन्यू जितनी मेहनत स्टार्टिंग से चले थे इस इंडस्ट्री में, उतनी मेहनत करते जाएंगे ना लास्ट तक, तो दिक्कत यहीं पे आती है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है ना, 60, 65, 70, 75 साल के हो गए हैं। अब आप कहेंगे 60 के बाद तो रिटायरमेंट हो जाती है, ठीक है, कंपनी एम्प्लॉय नहीं लेती, लेकिन ऐसे लोग कंपनी को गाइडेंस दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। और ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी कंपनी में काम करके आए हैं, लेकिन जुनून होना चाहिए। वो अब भी उनकी सेल्स टीम के साथ जाते हैं मार्केट में, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, कंपनी को सबमिट करते हैं, और उसके बाद घर रहते हैं ना तो दिन रात डाटा एनालिसिस करते हैं उस कंपनी का, और ऐसे उन्होंने 2-3 कंपनियों को पकड़ रखा है। और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होता है, जब आप एम्प्लॉय बनने के काबिल नहीं रह जाते, आपकी उम्र पार हो जाती है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बेस पर चलता है और एम्प्लॉय से ज्यादा सैलरी मिलती है। और ऐसे एक दो नहीं है कि यार बड़ी कंपनी केवल लगती है, बड़ी कंपनी लगती है। मैं छोटी छोटी कंपनी को जानता हूं जो गाइडेंस के तौर पर उनसे राय लेती है, मशवरा लेती है, और जैसे वकील होता है और वैसे पेड करती है, और वो अपनी सेवाएं और भी क्षेत्रों में दे रहे होते हैं। तो इस चीज को भूल जाओ यार, तुमने जन्म लिया है, अब एएसएम बन चुके हो, आरएसएम बन चुके हो, तो क्या जीएम नहीं बनना तुम्हें? तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनना? अरे तुम किसी छोटी कंपनी में ही जीएम बन जाओ, सैलरी तो बढ़ जाएगी, पोस्ट भी बढ़ जाएगी। अब पोस्ट बढ़ेगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते नहीं हो, दौड़ना चाहते नहीं हो। यही इस मार्केट की सच्चाई है टॉप पे बैठे हुए लोगों की।